आपका स्वागत है, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। शाहजहांपुर दिनांक 5/11/2022 जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने तहसील जलालाबाद क्षेत्र के अंतर्गत स्थित गांव अलहादपुर बहारी में चौपाल लगाकर ग्रामीणों को शासन द्वारा संचालित विभिन्न लाभार्थी परक योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने ग्रामीणों की शिकायतों एवं समस्याओं को सुना। प्राप्त शिकायतों एवं समस्याओं का प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को अवगत कराते हुए कहा कि गांव में बनाए गए पंचायत भवन में पंचायत मित्र को तैनाती की गई है, जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन आवेदन कराए जा सकते हैं। इसके साथ ही विभिन्न लाभार्थी परक योजनाओं की जानकारी भी प्राप्त करने के साथ साथ योजना के अंतर्गत बैंक खाते में भेजी गई राशि के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जिलाधिकारी ने सभी को शौचालय का प्रयोग करने के लिए भी प्रेरित करते हुए कहा कि पात्रों की सूची तैयार कराते हुए व्यक्तिगत शौचालय योजना से लाभान्वित किया जाए। उन्होंने सामुदायिक शौचालय के संचालन के संबंध में जानकारी ली। जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री आवास योजना के विषय में ग्रामीणों को जानकारी देते हुए बताया कि जिन पात्र लोगों के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में सम्मिलित नहीं हो पाए हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री आवास योजना संचालित कराई जा रही है। इसके लिए पात्रों के आवेदन संकलित कराए जाने के निर्देश करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि संबंधित अधिकारी आवश्यक प्रक्रिया समय से पूर्ण कराएं, जिससे शीघ्रता से पात्रों को लाभान्वित किया जा सके। जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव और लेखपाल को निर्देशित करते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं का पूर्ण लाभ जनता को मिले, यह सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने गांव में ट्रांसफार्मर की उपलब्धता, विद्युत आपूर्ति, विद्यालय में पढ़ाई और मिड डे मील, ट्रस्ट की राशि का खाते में अंतरण, ANM, आशा के कार्यों आदि के संबंध में ग्रामीणों से फीडबैक लिया। उसके बाद पंचायत सहायक को निर्देशित किया कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड बनाए जाने के कार्यों को मिशन मोड पर किया जाना सुनिश्चित करें। चौपाल के दौरान पुलिस अधीक्षक श्री एस आनंद ने मिशन शक्ति कक्ष के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि महिलाओं की समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु गांव में स्थित पंचायत भवन में मिशन शक्ति कक्ष स्थापित किया गया है, जिससे रोस्टर के अनुसार महिला बीट पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है। यदि किसी महिला को किसी भी प्रकार की समस्या है या थाने जाने में असमर्थ है, तो गांव के पंचायत भवन में आने वाली विशेष महिला बीट पुलिस अधिकारियों को अवगत कराएं, उनका निस्तारण तथा तत्काल प्रभाव से विधिक कार्रवाई की जाएगी। चौपाल के दौरान उपजिलाधिकारी जलालाबाद श्रीमती बरखा सिंह, जिला विकास अधिकारी श्री पवन कुमार सिंह, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट खंड विकास अधिकारी जलालाबाद शैलेंद्र गौतम, जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश कुमार, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी श्रीमती ज्ञान देवी, जिला पंचायत राज अधिकारी घनश्याम सागर, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी ओम हरि उपाध्याय से संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। जिला सूचना कार्यालय शाहजहांपुर द्वारा प्रसारित। If you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.